हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन शाला। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2022। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको पार्ट वन का पीडीएफ दूंगा। ओके, सो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं विद द फर्स्ट चैप्टर। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। ओके, तो ये जो पीडीएफ है यहाँ पे क्या है कि देखो, आप सॉलिड स्टेट है ये जो चैप्टर है फर्स्ट सॉलिड स्टेट, इसके जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पेपर में आ चुके हैं वो सारे लाइन से दिए हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे आई विल एक्सप्लेन यू द पैटर्न कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। उस तरह से आप पढ़ेंगे तो देर इज अ हाई चांस कि आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। तो ये जो क्वेश्चन है क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड, ये मार्च 13, 14 एंड 17 में आ चुका है फॉर 2 मार्क्स। दिस क्वेश्चन ये आपको 3 साल 3 बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। हाँ, तो ये एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको जरूर पढ़ना है। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, अपने टीचर से पूछते हैं कि मैम हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो। तो आपके टीचर्स आपको हमेशा कौन से क्वेश्चन देते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वही आपके हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ओके, वो आपके मैम या टीचर्स जानते रहते हैं कि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार, तो हाई चांस होता है कि वो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। मतलब तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको पूरा सीधा पेपर ही दे देता हूँ। इस यहाँ पे आपको मालूम पड़ जाए एग्जैक्टली कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है विथ प्रूफ कि ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, तो आप खुद समझ सकते हो कि ये क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैंने आपको बताया, जैसे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड का, ये क्वेश्चन आप देख सकते हो 3 बार पूछा गया है, बल्कि 3 बार नहीं, 13, 14, 17 एंड आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो 2019 का क्वेश्चन है, 2019 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड, ये क्वेश्चन वापस से पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, ये पीडीएफ जब आप लेंगे आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ओके, तो वहां से आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले मार्च के क्वेश्चन देखने हैं, पूरे मार्च के क्वेश्चन देखने हैं आपको, और फिर मार्च के क्वेश्चन पढ़ना शुरू करना है। जो मार्च के क्वेश्चन होते हैं, उन जो मार्च के जो पेपर्स होते हैं बोर्ड एग्जाम के, उनका पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है एज कम्पेयर टू जुलाई एंड अक्टूबर। तो सबसे पहले आपको पूरे पेपर के मार्च के क्वेश्चंस पढ़ने हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, 4 बार, 4 टाइम्स ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, 2013, 14, 17 एंड 19। ओके, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं अभी। तो ये जो क्वेश्चन है सेकेंड वाला क्वेश्चन, दिस इज न्यूमेरिकल। ये कौन सा न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस ऑफ गोल्ड। तो अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि वो लोग क्या करेंगे कि ये जो कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस बोला गया है, तो ये लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और इसको सॉल्व करने का प्रैक्टिस कर लेंगे और फिर यही सॉल्व करके एग्जाम में जाके बैठ जाएंगे। तो हो सकता है कि ये सेम क्वेश्चन आए आपको पेपर में एटॉमिक रेडियस के ऊपर, बट वहां पे गोल्ड ना हो, गोल्ड नहीं हो और वहां पे कुछ और हो, कोई और एलिमेंट हो। तो इस तरह से तो आपको क्या करना है कि हमेशा आपको कंसेप्ट पढ़ के जाना है अच्छी तरह से। अगर आपको ये क्वेश्चन आया है कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस, तो आपको ये पूरा कंसेप्ट इसके पीछे का क्या 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 फॉर्मूला है, क्या क्या यूज होता है फॉर्मूला, और यहाँ पे कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस कंसेप्ट के ऊपर, कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सब आपको आने चाहिए। अगर आप सिर्फ ये सेम क्वेश्चन पढ़ के चले जाते हो तो आप आंसर नहीं कर पाओगे पेपर में। तो ये आपको ध्यान देना है हमेशा। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो ये कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस का क्वेश्चन पूछा गया है, कब पूछा गया है, 2013 में। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आके देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो नियोबियम, यहाँ पे सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है, कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस ऑफ नियोबियम। यस, सेम क्वेश्चन है ना, बस क्या डिफरेंट है, एलिमेंट इज डिफरेंट, यहाँ पे एलिमेंट डिफरेंट है। ये आपको कब पूछा गया, 2015 में, मार्च में, सेम क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। अगर यही सेम क्वेश्चन पढ़ के चला गया होता वो स्टूडेंट, तो वो यहाँ पे मार्क्स लूज कर देता, वो बता रहे यहाँ पे तो गोल्ड लाया था, यहाँ पे गोल्ड लाया था, यहाँ पे नियोबियम आ गया, हमारे टीचर ने बोला कि ये तो इंपॉर्टेंट है बट ऐसा क्वेश्चन तो आया ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना है आपको, आपको क्या करना है, हमेशा कॉन्सेप्ट को पढ़ के जाना है, एटॉमिक
रेडियस के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में उसको अच्छी तरह से आपको सॉल्व करना है, और जितने भी टाइप के फॉर्मूलाज है वो आपको अच्छी तरह से लर्न होने चाहिए, तभी आपको पेपर में हाई चांस है कि आपको वो आंसर आप अटेम्प्ट कर पाओगे, वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कैलकुलेट 2000 मार्च 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पे आपको क्वेश्चन आया है इन मार्च 2014। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे कि ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे और चले जाएंगे पेपर में, रट्टा मार लेंगे इस क्वेश्चन को, पर ऐसा नहीं करना है आपको, कंसेप्ट क्या है उसको समझो। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब यहाँ पे आप देखोगे तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पे आपको एक बार और क्वेश्चन आ चुका है, कहाँ पे, यस 2000 मार्च 2016 में आप देख सकते हो, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेम पैटर्न है, यहाँ पे ये क्वेश्चन को दो बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ, प्रूफ कि कैसे ये इंपॉर्टेंट है। आपको टीचर्स बहुत सारे बोलेंगे कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, वो पढ़ लो, बट वहां पे आपको गारंटी नहीं होती, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे, किस तरह से ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको उसके पीछे का लॉजिक बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन दो बार पूछा जा चुका है, तो देयर इज हाई चांस कि इस बार भी पूछा जा सकता है। ओके, 100% नहीं बोल सकते कि पूछा जाएगा, लेकिन हाई चांस भी, दो बार तो पूछा जा चुका है तो शायद तीसरी बार भी पूछा जाए। तो आपको क्या करना है कि इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं ऑन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, उसको आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। ओके, ऐसे ही आपको सारे चैप्टर में, हर चैप्टर में आपको इसी तरह से करना होता है, आपको पैटर्न को समझना पड़ता है। बट बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं और पढ़ लेते हैं, बस पेपर में चले जाते हैं, और फिर उनको आंसर वहां पे नहीं आता, और फिर वो कंप्लेन करते हैं कि सर आपने जो क्वेश्चन दिया था वो तो पेपर में आया ही नहीं। तो इस तरह से आपको नहीं करना है, आपको हमेशा कंसेप्ट को पढ़ना है। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पे दो बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एक बार 2014 में, फिर एक बार 2016 में मार्च में। ओके, उसके बाद अभी आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे ये क्वेश्चन 2014 का हो गया, अब 2015 देखते हैं। 2015 ये भी एक बार हो चुका है, और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन स्टेनलेस स्टील विद डायग्राम, तो ये पूरा अच्छी तरह से आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, इसके आगे पीछे जो कॉन्सेप्ट होगा उसको भी आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। उसके बाद आगे देखते हैं 16, ये जो क्वेश्चन है थियरी क्वेश्चन, ये सब चीज़ें आपको अच्छी तरह से पढ़नी है, फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में एक्सप्लेन करना है उसको आपको, ये दो मास का क्वेश्चन है, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती है। उसके बाद जुलाई, आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको सबसे पहले मार्च के क्वेश्चंस पढ़ना शुरू करना है, मार्च के क्वेश्चंस आपके पूरे हो जाएं पूरे पेपर के, देन यू हैव टू गो फॉर जुलाई एंड देन फॉर अक्टूबर। ओके, उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटॉम्स, ये जो न्यूमेरिकल आया है किसके ऊपर आया है, नंबर ऑफ एटॉम्स आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो यही सेम क्वेश्चन आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे फिर से एक बार पूछा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये मार्च 2018 में, यहाँ पे आप देख सकते हो कि फाइंड द नंबर ऑफ एटॉम्स इन द यूनिट सेल, सेम क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ एटॉम्स इन द यूनिट सेल। अगर आपको कंसेप्ट आता होगा पूरा तो आप इस हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, टू फाइंड द नंबर ऑफ एटॉम्स इन द यूनिट सेल, इस कॉन्सेप्ट पे इस। ओके, तो इस तरह से आपको पढ़ना है। तो तीन टाइप के आपको यहाँ पे सम्स मिल गए, एक नंबर ऑफ एटॉम्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, और एक आ सकता है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पे आ सकता है क्वेश्चन, और एक जो यहाँ पे स्टार्टिंग में था कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हो गया ये, और क्या था एक, यस कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस ऑफ गोल्ड, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सब के आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं, पूरे के पूरे एंटायर जो फॉर्मूला है, जो कंसेप्ट है, वो आपको अच्छी तरह से पढ़ने हैं, आगे पीछे जितने भी उसके टाइप्स दिए हुए हैं वो सब आपको पढ़ना है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे, आगे देखते हैं हम लोग, कैलकुलेट द, यहाँ पे आप देख सकते हो मार्च 2017 में आया है क्वेश्चन, कैलकुलेट द परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ पैकेजिंग इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक सेल। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए बोला गया परसेंटेज एफिशिएंसी, तो आपको हर जितने भी टाइप के यूनिट सेल्स हैं, यहाँ पे सिंपल क्यूबिक सेल के बारे में बोला गया। ओके, तो आपको जितने भी टाइप के क्यूबिक सेल हैं उनके सबके आपको एफिशिएंसी, परसेंटेज एफिशिएंसी कैलकुलेट करने आना चाहिए हर टाइप के यूनिट सेल्स की। ओके,
ये नहीं कि आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में फॉर सिंपल क्यूबिक सेल, तो आपको सिर्फ यही पढ़ के जाना है, जितने भी टाइप के हैं सबको पढ़ लो, तभी आपको वो पेपर में एग्जाम में आपको आंसर आएगा। अदरवाइज आपको क्वेश्चन का आंसर सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं पूछा था कभी भी, कि सेम टू सेम क्वेश्चन 2017 का पूछ उठा के, हो सकता है जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ ले, पर थोड़ा बहुत वहाँ पे चेंजेस रहेंगे थोड़ा बहुत, तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपने पूरा कंसेप्ट फ्रॉम ए टू जेड पढ़ा हुआ है तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, यू कैन आंसर दैट क्वेश्चन, अगर आपने पूरा कंसेप्ट एकदम ध्यान से अच्छे से फॉर्मूला अच्छे से पढ़ा है तो, प्रैक्टिस किया है तो। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, आपको जुलाई के क्वेश्चंस कब पढ़ने हैं, जब आपके पूरे के पूरे मार्च के क्वेश्चंस पढ़ के हो जाएं पूरे पेपर के। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे आप देखोगे तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल्स टू द नंबर ऑफ एनायंस इन हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकेज स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, तो अब बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे आपको फिर एक मेन टॉपिक जो है, जिस टॉपिक से ये क्वेश्चन है वो टॉपिक को ढूंढो टेक्स्ट बुक में, और वहां पे जितने भी आगे पीछे वो पूरा एकदम ध्यान से सारी प्रॉपर्टीज जो है उसको अच्छे से पढ़ लो, तभी आपको क्वेश्चन का आंसर पेपर में आएगा। तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है, इसी तरह से आपको खुद से बाकी चैप्टर्स का ढूंढना है इस पीडीएफ में। और हाँ, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो भी आपका रिड्यूस क्वेश्चन है प्लीज उसको मत पढ़ने लग जाना, आपको पहले ध्यान देना कि कौन कौन से क्वेश्चंस रिड्यूस्ड हैं जो आपके पोर्शन में नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो उसका हमने वीडियो बना के रखा है फॉर रिड्यूस क्वेश्चन ऑफ एवरी सब्जेक्ट, रिड्यूस क्वेश्चन आपके कौन कौन से क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं उसको आप देख लो और उसको भी यहाँ पे टिक मार्क कर लो। ये नहीं कि आप रिड्यूस क्वेश्चन को पढ़ना शुरू कर दिए कि ये रिपीटेड है, ये कॉन्सेप्ट रिपीटेड है तो ये बार बार ये आ सकता है, ऐसा नहीं। पहले आप देख लो कि कौन कौन से क्वेश्चन रिड्यूस्ड है, उसके बाद जाके फिर मार्च के क्वेश्चंस को देखो कि कौन सा कंसेप्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है, कौन सा रिपीटेड है, उसको पढ़ना शुरू करो। ओके, उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे डिफाइंड एनिसोट्रॉपी, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना है, और फिर ये तो इंपॉर्टेंट है ही, तीन बार पूछा जा चुका है, सारे कंसेप्ट ये सब चीज के पढ़ने हैं जितने भी हैं। फिर आप यहाँ पे भी देख सकते हो, फिर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ सेकेंड चैप्टर का भी, ये देख सकते हो आप वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ। ओके, ये जो क्वेश्चन है बॉयल्स लॉ वेंट ऑफ फैक्टर, यहाँ पे आप देख सकते हो वेंट ऑफ एवोगैड्रोस लॉ, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा रहा है, 2009 में पूछा गया, 8 में वेंट ऑफ के ऊपर क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख सकते हो फिर वेंट ऑफ के ऊपर इक्वेशन, 10 एंड 11 में, उसके सेम क्वेश्चन आपको सेम ही टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप अगर ध्यान से देखोगे तो, ये देख सकते हो आप। उसके बाद अक्टूबर में पूछा गया है वेंट ऑफ फैक्टर के ऊपर, जनरल सॉल्यूशन इक्वेशन 19 में 15 में पूछा गया है सेम क्वेश्चन। तो ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो सेम होंगे, सेम कंसेप्ट के ऊपर तीन चार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको बस उसी को फाइंड आउट करना है पेपर में और उसी को पढ़ना शुरू करना है। ये देख सकते हो आप वेंट ऑफ फैक्टर यहाँ पे दिया गया है, इसके ऊपर आपको न्यूमरिकल पूछा गया है इन 2014। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा टॉपिक है, वेंट ऑफ का टॉपिक जो है यहाँ पे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। तो इस तरह से आपको कॉमन क्वेश्चंस ढूंढने में, आपको पूरा पेपर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये आपका काम है, आपको बैठ के अच्छी तरह से देखना है, एक एक क्वेश्चंस को समझना है कि ये क्वेश्चन किस के क्या मैच हो रहा है, कौन कौन से क्वेश्चन सेम है कंसेप्ट, कौन कौन से क्वेश्चन के कंसेप्ट सेम है, वो क्वेश्चन आपको पढ़ने शुरू करने हैं। और हमेशा ध्यान देना कि आपके कौन कौन से रिड्यूस क्वेश्चन है उसको मत पढ़ना प्लीज। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे इसको डाउनलोड करना है। सो
हैं।